हे एवरीवन, मैंने अब तक मोर देन 100 बुक्स पढ़ चुका हूँ अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, भले से वो लाइफ स्किल्स हो, फाइनेंशियल स्किल्स हो, रिलेशनशिप स्किल्स हो या बिजनेस स्किल्स हो। अब ये सभी बुक्स पढ़ के जनरली मैंने बहुत से इम्पोर्टेंट लेसन सीखा हो और इम्प्लीमेंट भी किया हो, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट लेसन मैंने ये सीखा हो कि एक रेगुलर 9 to 5 वाली जॉब करके इंसान जो भी पैसे एक एवरेज सैलरी के फॉर्म में कमाता है उससे सिर्फ उसकी जरूरतें, उसकी नीड्स पूरी होती है और अपने विशेष को पूरा करने के लिए उसे वेट करना पड़ता है या कई बार कम पैसे होने की वजह से वो अपनी विशेष को मार डालता है। इसलिए अगर हमें अपनी विशेष को बिना डीले, बिना मारे और बिना स्ट्रगल किए पूरा करना है, एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ अचीव करना है, तो हमें खुद का बिजनेस करना होगा। इनफैक्ट अपनी बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी खुद एक चैप्टर जिसका टाइटल है माइंड योर ओन बिजनेस में कहते हैं कि आप जॉब करो लेकिन साइड बाय साइड खुद का बिजनेस भी करो, तभी आप खुद को फाइनेंशियली फ्री कर सकोगे। इसलिए आप खुद नोटिस करोगे कि दुनिया के जो भी बिलियनियर्स है वो सब एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर है। अब देखो, ऐसे कई लोग होते हैं जो अपनी 9 to 5 जॉब से परेशान होते हैं और इसलिए वो खुद का स्टार्टअप करने का डिसीजन लेते हैं और उसे शुरू भी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादातर टाइम उनका ये स्टार्टअप बिजनेस फेल हो जाता है। अब इस फेलियर के पीछे बहुत से रीजन होते हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट रीजन ये भी होता है कि इन सभी स्टार्टअप ओनर्स को मॉडर्न बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में पता नहीं होता है। एग्जाम्पल, जोई नाम का एक आदमी है जो गो गेटर टाइप माइंडसेट वाला पर्सन है और जिसे अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में बहुत सी सक्सेस और माइलस्टोन को अचीव किया था, लेकिन जब बात खुद का बिजनेस करने की आई तो उसे अपने बिजनेस में एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं मिल पाई थी। इनफैक्ट उसका बिजनेस बुरी तरह से फेल हो चुका था। वो बिजनेस ग्रो करने का सीक्रेट मालूम करने लगा कि तभी उसकी मुलाकात पिंडर से हुई, जो नेचर वाइज बहुत ही शांत पर्सन था और जो एक्चुअली में बहुत ही रिच और सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे जिनके मल्टीपल बिजनेस अपनी अपनी फील्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे थे। जोई ने पिंडर से पूछा कि वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से उनके सारे बिजनेस इतने ज्यादा सक्सेसफुल थे। पिंडर ने कहा कि अपने हर बिजनेस में वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जो कि है गो गिवर बनना। ये सुनके जोई को तो पहले हंसी आने लगी क्योंकि उसे लगा ऐसा माइंडसेट बिजनेस को बंद कर देगा, लेकिन फिर वो सोचने लगा कि शायद पिंडर सही है क्योंकि उन्होंने अपने सारे बिजनेस को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाया था सिर्फ इसी प्रिंसिपल की वजह से। फिर इसके बाद पिंडर ने जोई को 5 इम्पोर्टेंट बिजनेस लॉज बताए जिसे फॉलो करके जोई अपने बिजनेस को पिंडर की तरह सक्सेसफुल बना सकता है। इसलिए अगर आप भी एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अभी मैं वही 5 लॉज डिस्कस करने वाला हूँ जिसे सीख के और जिसे अपने बिजनेस में अप्लाई करके आप भी अपने बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो कर सकोगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, द लॉ ऑफ वैल्यू। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करो। एज अ बिजनेस पर्सन आपको ये बात पता होना चाहिए कि कस्टमर आपको पैसे प्रोडक्ट के लिए नहीं बल्कि उससे मिलने वाली वैल्यूज के लिए पे करता है। एग्जाम्पल, अगर आप एक डिवाइस बेचते हो जो आपका कॉम्पिटिटर भी सेम प्राइस में सेल करता है, लेकिन अपने डिवाइस की स्पेशल फीचर्स के थ्रू आप अपने कस्टमर्स को एक ऐसी वैल्यू देते हो जिससे उनकी लाइफ आसान हो जाती है, तो फिर कस्टमर्स हर बार आपका ही डिवाइस लेना प्रिफर करेगा। इसलिए अपने बिजनेस के थ्रू लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करो। जितना ज्यादा वैल्यू दोगे उतने ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो होगा और फिर उतने ज्यादा पैसे आप कमा सकोगे। नंबर 2, द लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन। एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर आप स्पेशली YouTube से ज्यादा पैसे तभी कमा सकोगे जब आपके वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आएगी और ज्यादा एड प्ले होगी। अब आपके YouTube वीडियोस पे व्यूज ज्यादा तभी आएंगे जब ज्यादा लोगों तक आपकी वीडियोस पहुंचेगी, ज्यादा लोग आपके वीडियोस को देखेंगे। सिमिलरली अपने बिजनेस के थ्रू आप मिलियंस तभी कमा सकोगे जब ज्यादा कस्टमर तक आपकी सर्विस, आपके प्रोडक्ट पहुंचेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके प्रोडक्ट यूज कर सकेंगे। सिंपली कहूं तो आपका बिजनेस ग्रो तभी होगा जब आपके बिजनेस की स्केलेबिलिटी इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल, आज जेफ बेजोस अरबों में इसलिए कमा रहे क्योंकि वो करोड़ों लोगों तक सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे अपने अमेज़न कंपनी के थ्रू। इसलिए आपको भी अपने बिजनेस की स्केलेबिलिटी, अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विस की रीच को ग्रो करना होगा, तभी आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो कर सकोगे। नंबर 3, द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। अपने बिजनेस को समझने के लिए और उसे सक्सेसफुली ग्रो करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कस्टमर्स की नीड को समझना होगा। एग्जाम्पल, लोगों को कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती थी, एक दूसरे से पहले इजीली कनेक्ट नहीं कर पाते थे। वेल, इसी चीज का बेनिफिट लेते हुए मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाया। पहले लोगों को सामान ढूंढने प्रॉब्लम होती थी
और कोई भी सामान उन्हें इजीली नहीं मिल पाता था। वेल, इसी चीज का बेनिफिट लेते हुए और लोगों की नीड्स को पूरा करते हुए जेफ बेजोस ने अमेज़न बनाया। पहले वॉइस कॉल और मोबाइल इंटरनेट चार्जर बहुत एक्सपेंसिव होते थे। वेल, लोगों की इसी नीड्स को जानते हुए और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हुए मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया और आज हम सब जानते हैं कि उनकी नेटवर्थ कितनी हो चुकी है। इसलिए लोगों की नीड्स को पूरा करने पे फोकस करो अपने प्रोडक्ट और सर्विस के थ्रू, तभी आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकोगे। नंबर 4, द लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको पहले लोगों का, स्पेशली अपने कस्टमर का ट्रस्ट जीतना होगा, और जिसे करने के लिए आपको पहले अपने बिजनेस और अपने प्रोडक्ट को लेकर ऑथेंटिक, मतलब के सच्चा बनना होगा। क्योंकि लोग वही ब्रांड, वही प्रोडक्ट बार बार प्रीफर करते हैं जिसे वो पसंद तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जिसकी क्वालिटी और सर्विस पे वो बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट भी करते हैं। फिर नो मैटर भले से वो प्रोडक्ट कितना ही महंगा ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल, आज आईफोन की प्राइस 1 लाख से ऊपर होती है, बट जब भी न्यू आईफोन लॉन्च होता है तो कुछ ही दिन में वो सोल्ड आउट हो जाता है। रीजन, कस्टमर्स को एप्पल प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी वर्किंग, उसके फीचर्स और उसकी सर्विस पे पूरी तरह से ट्रस्ट है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आज के टाइम पे एप्पल ने मार्केट में अपनी ऑथेंटिसिटी बनाए रखा है, जिसकी वजह से लोग उसके प्रोडक्ट पे लाखों रुपए भी खर्च करने के लिए रेडी होते हैं। इसलिए आप भी अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट को लेके सच्चे और ऑथेंटिक बनो, सो दैट फिर कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे भी लाखों खर्च करने के लिए रेडी हो जाए। नंबर 5, द लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी। ज्यादातर लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि उन्हें दूसरों को चीजें देना पसंद होता है और दूसरों से कोई भी चीज लेने को, स्पेशली इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, वो अवॉइड करते हैं। देखो, आपको पता होना चाहिए कि गिविंग और टेकिंग एक साइकिल की तरह है, जिसे पूरा करना बहुत जरूरी है, तभी आप प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस को अचीव कर सकोगे। क्योंकि अगर कोई इंसान आपको कुछ देता है एज अ गिफ्ट ऑफ अप्रिसिएशन, लेकिन आप उसे लेने मना कर देते हो, तो हो सकता है आपका ये बिहेवियर सामने वाले इंसान को हर्ट कर दे और जिससे फिर शायद आपका रिलेशन भी खराब हो जाएगा। इसलिए स्पेशली अगर आपका बिजनेस पार्टनर, एनीवन कॉम्पिटिटर भी अपने किसी क्लाइंट या कस्टमर को आपके लिए रेफर करता है, तो उनके रेफरेंस को मना मत करो, बल्कि उसे एक्सेप्ट करो। इससे आपका रिलेशन भी स्ट्रांग बनेगा और न्यू कस्टमर मिलने से आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आपको गो गेटर और गो गिवर दोनों टाइप के माइंडसेट को बिल्ड करना होगा, तभी आप उस साइकिल को कंप्लीट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकोगे। सो टू कंक्लूड, अगर आप अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो करके मिलियंस कमाना चाहते हो, तो आपको 5 इंपॉर्टेंट लॉस को फॉलो करना होगा। पहला, आपको अपने बिजनेस के थ्रू ज्यादा वैल्यूज को क्रिएट करना होगा। दूसरा, उस वैल्यूएबल प्रोडक्ट से ज्यादा लोगों तक पहुंचना होगा। तीसरा, उस वैल्यूएबल प्रोडक्ट के थ्रू लोगों की नीड्स को पूरा करो। चौथा, अपने प्रोडक्ट और बिजनेस को लेकर ऑथेंटिक बनो, सो डेट कस्टमर आप पे ट्रस्ट कर सके। और लास्ट 5वां, इन सब के बदले जो भी आपको मिले इन फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स, प्रॉफिट और गिफ्ट, उसे हैप्पीली एक्सेप्ट करना सीखो। अप टू एंड, ये इंपॉर्टेंट लेसन मैंने आपको एक बहुत ही ऑसम बुक द गो गिवर से बताया हो। अगर आपको ये लेसन यूजफुल लगे हो, तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो डेट आपके थ्रू वो भी इन इंपॉर्टेंट लेसन को सीख के खुद के बिजनेस लाइफ में अप्लाई कर सके। और अगर आप ये लेसन और भी ज्यादा डेप्थ में सीखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। अभी के लिए, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आप किस टाइप के इंसान हो, गो गेटर या गो गिवर। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।